चौसर का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में पढ़ चुके हैं, मिडिल इंग्लिश पीरियड में जो चौसर ने वर्क लिखा था कंट्रीब्यूटर्स, उसका इटालियन पीरियड, फ्रेंच पीरियड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट राइटर करने वाले हैं वो है जॉन वाइक्लिफ। कौन है? जॉन वाइक्लिफ है। इनका जन्म जो हुआ था वो 1320 में हुआ था और जो डेथ है वो 1384 में हुई थी। जॉन वाइक्लिफ जो हैं ये हमारे लिए याद करने बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इन्होंने जो फर्स्ट बाइबल है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो जॉन वाइक्लिफ जो हैं ये हमारे लिए जो याद रखने या करने हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो हेलो, आई एम राधा एंड वेलकम इन माय ट्रिनिटी ग्रुप। जॉन वाइक्लिफ 1320 to 1384, जो जॉन वाइक्लिफ है इनका जन्म 1320 में हुआ था, डेथ 1384 में हुई थी। द फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ बाइबल, ये बाइबल के पहले ट्रांसलेटर हैं। इंटू नेटिव टंग, इन्होंने नेटिव टंग में ट्रांसलेट की थी, मतलब इंग्लैंड की जो नेटिव टंग है इंग्लिश जो है उसमें ये ट्रांसलेट किया था। ही ट्रांसलेटेड द न्यू टेस्टामेंट फ्रॉम लैटिन टू इंग्लिश, उन्होंने जो न्यू टेस्टामेंट है उसको भी उससे लैटिन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। हिज डिसाइपल जॉन परवे रिवाइज्ड हिज बाइबल लैटिन वर्जन इन 1388। और जो उसके जो डिसाइपल थे जॉन परवे ने रिवाइज्ड किया था उसका जो बाइबल है लैटिन वर्जन है उसको 1388 में क्या किया था, रिवाइज किया था, उसको दोबारा फिर रिवाइज किया था। जो अपना नेक्स्ट जो पोइट है जॉन वाइक्लिफ को हम किस चीज़ के लिए याद करेंगे, उन्होंने जो बाइबल का जो ट्रांसलेशन किया था उसके लिए हम याद करेंगे। नेक्स्ट जो राइटर है वो है जॉन मैंडविले। जॉन मैंडविले ये वॉयज एंड ट्रेवल ऑफ सर जॉन मैंडविले ये वर्क है शायद उनका। तो क्या है, इन्होंने वॉयज एंड ट्रेवल ऑफ जो जॉन मैंडविले है उसके बारे में लिखा इन इंग्लिश डायलेक्ट, इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ किया। पब्लिश्ड इन 1356 में पब्लिश करवाया। एंड आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ आर्ट, ही आउटस्टैंडिंग वर्क है आर्ट का। तो ये वर्क ही है क्या कि वॉयज एंड द ट्रेवल ऑफ सर जॉन मैंडविले, क्या है वॉयज एंड ट्रेवल ऑफ सर जॉन मैंडविले। और स्कॉटिश चौसरियन जो अपने जो नेक्स्ट मिडिल इंग्लिश में आने वाले जो राइटर थे उनमें स्कॉटिश चौसरियन आते हैं। इनमें जो पहला नाम है वो है जेम्स फर्स्ट का। जेम्स फर्स्ट का जन्म 1396 में हुआ था, डेथ 1436 में हुई थी। और जो अपना जेम्स फर्स्ट है वो किंग हिमसेल्फ था, जो राजा था वो था। और ये फेमस था, फेमस फॉर किंग्स क्यूर, जो किंग्स क्यूर जो वर्क है किंग की जो बुक है उसके लिए फेमस था। रिटन इन राइम रॉयल का इसमें यूज़ किया। चौसर जो चौसर ने मीटर्स बनाए थे तो इन्होंने राइम रॉयल का इसमें यूज किया है। द स्टोरी इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ किंग्स लव अफेक्शन विद ए लेडी जेन बियफोर्ड हेनरी एंस निस। इसमें जो स्टोरी है वो राजा का जो लगाव है, जो लव है, अफेक्शन है एक लेडी के लिए उसके बारे में बताया गया है। और जो लेडी है उसका नाम है जेन बियफोर्ड। क्या नाम है? जेन बियफोर्ड है, जो कि हेनरी एंस निस है, जो हेनरी एंस की निस थी, भतीजी थी। तो इसमें हमें राजा के जो अफेक्शन उसके बारे में पता चला है। तो हमें ये भी याद रखना होगा कि जो किंग जेम्स है उसका वर्क कौन सा है, तो किंग स्क्वायर उनका वर्क है। और वो किससे, किसके प्रति अफेक्शन, उनको किससे लव था या लव या अफेक्शन था, तो लेडी जेन बियफोर्ड के साथ था, जो कि हेनरी एंस निस थे। नेक्स्ट जो राइटर हैं वो है रॉबर्ट हेनरीसन। जो रॉबर्ट हेनरीसन है फर्स्ट मेजर पोएट ऑफ स्कॉटलैंड, ये स्कॉटलैंड के फर्स्ट मेजर पोएट थे। इज टू मेजर वर्क, इन्होंने दो ही मेजर वर्क लिखे रखे हैं। टेस्टामेंट ऑफ गेसिट, जो उनका एक मेजर वर्क जो है वो टेस्टामेंट ऑफ गेसिट है। और सेकंड जो है वो ऑर्फियस एंड यूरोडाइस है। क्या है? ऑर्फियस एंड यूरोडाइस इनका जो नेक्स्ट वर्क है वो है। तो नेक्स्ट जो अपने राइटर हैं वो है रॉबर्ट हेनरीसन। इनके दो ही मेजर वर्क हैं, वो है टेस्टामेंट ऑफ गेसिट एंड ऑर्फियस एंड यूरोडाइस। ये इनके वर्क हैं। इसके बारे में हम और भी जानेंगे। जो नेक्स्ट जो अपने राइटर हैं वो हैं रॉबर्ट हेनरीसन। रॉबर्ट हेनरीसन का जो वर्क है वो है टेस्टामेंट ऑफ गेसिट। और ये जो वर्क है वो किस चीज़ के लिए जाना जाता है? हिज ग्रेटेस्ट पोएम इन सीरियस काइंड, की ये उनकी एक ग्रेटेस्ट पोएम है जो सीरियस वे में लिखी गई है। नोन एज द सीक्वल ऑफ चौसर ट्रोयलेस, और ये चौसर का जो ट्रोयलेस है उसका सीक्वेंस माना जाता है। रिटन इन राइम रॉयल, जो चौसर के द्वारा इन्वेंट की गई जो राइम्स रॉयल थी उसका यूज ही इसमें किया गया है। नेक्स्ट जो रॉबर्ट हेनरीसन का जो वर्क है वो है ऑर्फर्स एंड यूरोडाइस। क्या है? ऑर्फर्स एंड यूरोडाइस। ये क्या है?
एक कलेक्शन ऑफ फेबर्स को फेबर्स का एक कलेक्शन है। नेक्स्ट जो वर्क है वो है उनका रोबेन एंड मेके। क्या है? रोबेन एंड मेके, ये एक बैलेड है मेके द शेफर्ड। इसमें जो मेके है वो एक शेफर्डेस है और जो रोबेन है वो एक शेफर्ड है। तो इनका जो नेक्स्ट जो वर्क है वो है रोबेन एंड मेके, और इसमें ये एक बैलेड है, इसमें मेके जो है शेफर्ड है, रोबेन एक शेफर्डेस है। जो नेक्स्ट जो अपने राइटर हैं वो है रॉबर्ट हैनरीसन है। रॉबर्ट हैनरीसन के बाद जो अपना राइटर है वो है विलियम डेनबार। जो विलियम डेनबार है उनका जो टाइम पीरियड है वो है 1460 to 1530, 1460 से 1530 तक माना जाता है। ही वॉज ए कोर्ट पोएट, वो एक कोर्ट पोएट थे। पोएट्री, उनकी पोएट्री हैं थशल एंड द रोज। क्या है? थशल एंड द रोज है। और ये क्या है? इज एन एलेगरी, एक एलेगरी है रिटन इन राइम रॉयल, इसको भी राइम रॉयल में लिखा गया है। और सेलिब्रेटिंग द मैरिज ऑफ जेम्स थिस्टल, तो इसमें क्या है, जो जेम्स है उस थिस्टल जो है उसकी जो मैरिज है उसको सेलिब्रेट किया गया है विद मार्गरेट, मार्गरेट के साथ दी रोज, रोज के जिसको रोज कहा गया है। तो जो इसमें दशल है उसकी मैरिज मार्गरेट के साथ है उसको सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट जो वर्क है उनका द गोल्डन टार्ज, कौन सा है? गोल्डन टार्ज है, नाइन लाइन स्टैंजा, इसमें नाइन लाइन स्टैंजा का यूज़ किया गया है। एलिग्री ऑफ लव, ये लव की एलिग्री है। टू मैरिज वूमेन, टू मैरिड वूमेन एंड विडो, नेक्स्ट जो इनका वर्क है टू मैरिड एंड विडो है। और इंस्पायर्ड बाई वाइफ ऑफ बास टेल, जो वाइफ ऑफ बास टेल है अपनी कंट्रीब्यूट टेल्स है उसमें से इंस्पायर्ड वर्क है। नेक्स्ट जो वर्क है वो है फ्रायर्स बारविक, कौन सा है? फ्रायर्स ऑफ बारविक है। ए टेल ऑफ हाई रैंकिंग फ्रायर एंड ए फार्मिंग फार्मर्स वाइफ, तो ये क्या है? टेल है ऑफ हाई रैंकिंग फ्रायर, एक हाई रैंकिंग जो फ्रायर है उसकी, और एक फॉर्मर्स वाइफ है उसकी ये स्टोरी है। नेक्स्ट जो उनका वर्क है वो है फ्लाइटिंग है, और उससे जो नेक्स्ट जो उनका वर्क है, सिक्स जो नेक्स्ट जो वर्क है उनका वो है द डांस ऑफ सेवन डेडली सीन, डांस ऑफ सेवन डेडली सीन। इसकी क्या क्या है जो करेक्टरिस्टिक है? 12 लाइन स्टैंजा, इसमें 12 लाइन स्टैंजा का यूज़ किया गया है। लेमेंट फॉर मेकर्स, जो मेकर्स के लिए जो लेमेंट है उसके बारे में बताया गया है। एलेजी ऑन डेड पोएट, जो डेड पोएट हैं उनकी जो डेथ है उसके ऊपर जो एलेजी है, जो उनका दुख है उसके ऊपर कट किया गया है। तो डांस ऑफ सेवन डेडली सीन में हमें क्या पता चला कि 12 लाइन स्टैंजा है, लेमेंट फॉर मेकर्स जो पोएट्स उनके लिए लेमेंट है, एलेजी ऑन डेथ डेड पोएट, जो डेड पोएट है उनके लिए एलेजी है ये। तो इसमें हमें रॉबर्ट हैनरीसन के बारे में पता चला, विलियम डेनबार के बारे में पता चला, और जो विलियम डेनबार के जो वर्क है उनके बारे में पता चला। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।